2014 में जब से बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई है तब से पूरे देश भर में इनकी हवा सी चल निकली है। जिस स्टेट में देखो वही कमल के फूल खिल रहे हैं। और अब तो भैया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी इससे बिल्कुल एक्सेप्शन नहीं रहा है। 2 मार्च को जो असेंबली के रिजल्ट आए हैं उन्होंने ये बात पूरी तरह से कंफर्म कर दी है। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स को देखो, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इनको अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर राजनीति ना बड़ी यूनिक है, थोड़ी सी अलग तरह से काम करती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये पैटर्न चेंज होते हुए दिख रहा है और बीजेपी, जिसे यूजुअली एक हिंदुत्व फर्स्ट पार्टी कहा जाता है, वो एक ऐसी जगह पर जहां पर 7 में से 5 स्टेट्स में हिंदूज मेजॉरिटी में ही ना हो, वहां पे कैसे जीत रही है। और ये जीत भी कोई छोटी मोटी नहीं है, इसकी टाइमलाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। भारतीय जनता पार्टी एंड इट्स एलाइज हैव क्रॉस्ड द मेजॉरिटी मार्क एंड इमर्ज्ड विक्टोरियस इन त्रिपुरा एंड नागालैंड एंड दे विल फॉर्म अ गवर्नमेंट विद द एनडीपी इन मेघालय। बीजेपी त्रिपुरा हैज सिक्योर्ड अ सेकंड टर्म एंड अ लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर द एनडीपी बीजेपी अलायंस इन नागालैंड इट्स डेसिमेटेड द ऑपोजिशन। वो कहते हैं मर जा मोदी, देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा। 2016 में ये पार्टी असम में कांग्रेस के 15 साल की सरकार को एंड करके नॉर्थ ईस्ट में एंट्री लेती है। सेम ईयर अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी की एंट्री होती है, जब चीफ मिनिस्टर प्रेमा खांडू और उनके साथ 32 MLAs पार्टी बदल के यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ईयर 2017 में बीजेपी मणिपुर भी जीत जाती है और एन बीरेन सिंह, जो कि एक टाइम पर कांग्रेस में हुआ करते थे, वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगले साल एक और गजब का कांड होता है त्रिपुरा में, जहां पर 25 साल से लेफ्ट की कंप्लीट मेजॉरिटी थी, वहां पर भी बीजेपी ने सरकार बना ली। और तो और उसी साल एज ए जूनियर पार्टनर मेघालय और नागालैंड में भी कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करके बीजेपी पावर में आ जाती है। और फिर जब पावर रिटेन करने की बात आई तो 2019 में अरुणाचल, 2021 में असम, 2022 में मणिपुर और सबसे रिसेंटली त्रिपुरा, मेघालय एंड नागालैंड, इन सब जगह बीजेपी ने अपनी पावर को रिटेन भी किया है और एक काफी अच्छे मार्जिन से इलेक्शंस जीते हैं। और ये सब देख के ऑपोजिशन पार्टी के लीडर और कई सारे एनालिस्ट ने ये भी बोलना शुरू कर दिया कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा कि ये बीजेपी कैसे कर रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। तो अब सवाल आता है कि जहां पर ज्यादातर लोग क्रिश्चियंस या किसी और माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, जहां पर ज्यादातर लोग इंग्लिश को एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करते हो, जहां पर अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल कंज्यूम बीफ एज वेल, वहां पर एक ऐसी पार्टी पॉपुलर कैसे बन जाती है जो बीफ ईटिंग के अगेंस्ट कैंपेनिंग करती हो, जिस पार्टी पर हिंदुत्व और हिंदी को प्रमोट करने के एलिगेशंस लगाए जाते हो। तो बीजेपी की इस मैजिकल राइस के पीछे कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी और स्ट्रेटजी का एक मिक्स दिखाई देता है। कैसे, आइए देखते हैं। As the BJP's rising graph in the northeast, 3-0 for the BJP and its allies in the northeast. So the BJP, it seems, as per these exit polls, with all their caveats, is set to hugely expand its footprint in the northeast. देखो बीजेपी से पहले ना नॉर्थ ईस्ट पार्ट में कांग्रेस की बहुत मजबूत पकड़ थी, या तो उनके डायरेक्ट लीडर्स थे या फिर रीजनल पार्टी के साथ एक स्ट्रॉन्ग कोएलिशन था। तो बीजेपी के राइज के पीछे सबसे पहला रीजन कांग्रेस की गलतियां ही हैं। मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में अगर आप रिसेंटली देखो तो राहुल गांधी ने मेघालय में सिर्फ 1 रैली अटेंड करी थी और कांग्रेस के बाकी बड़े लीडर्स भी कहीं नजर नहीं आए। इवन रिजल्ट्स के बाद भी कांग्रेस लीडर्स इसे एक रीजनल इशू बता के साइडलाइन कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इसे सीधा सीधा मना किया है, कह रहे भाई ये तो छोटे मोटे स्टेट्स हैं, यहाँ पर तो वही लोग जीत जाते हैं जिनकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। और ये इग्नोरेंस इलेक्शन के रिजल्ट में साफ रिफ्लेक्ट होती है। INC 3 स्टेट्स में 180 सीट्स में सिर्फ 8 सीट जीत पाई है, नागालैंड में तो इनका खाता तक नहीं खुला है। और कांग्रेस की इग्नोरेंस या एपथी कोई नई नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा, जो आज के टाइम पर असम के CM हैं, वो एक टाइम पर नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस के काफी प्रोमिनेंट लीडर थे। इन्होंने 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसका रीजन जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने काफी शॉकिंग बात रिवील करी। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी के साथ मैंने एक मीटिंग रखने बोली थी, दैट मीटिंग वॉज वेरी वेरी डिस्गस्टिंग। इनके अकॉर्डिंग उस मीटिंग में राहुल गांधी जी अपने पेट डॉग पिद्दी के साथ खेलने में बिजी थे और इनकी बात को ध्यान तक नहीं दे रहे थे। मंतव विश्वा शर्मा कहते हैं कि जब वो कोई बड़े इश्यूज रेस करने की कोशिश करते तो राहुल गांधी का जवाब होता सो वॉट। और हेमंता कोई अकेले रीजनल लीडर नहीं थे जो कांग्रेस की इस लीडरशिप से खुश नहीं थे। 2015 में हेमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन की थी,
ये एक सिग्निफिकेंट इंसिडेंट था। लेकिन इसके बाद एन बीरेन सिंह और प्रेमा खांडू जैसे बड़े बड़े और काफी इन्फ्लुएंशियल रीजनल लीडर्स ने भी कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। और कांग्रेस की इस एपथी और इग्नोरेंस को देखते हुए मई 2016 में बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस भी शुरू करा। ये कॉमन अलायंस है सारे नॉन कांग्रेस रीजनल पार्टी का। अमित शाह ने भी बीजेपी के चीफ बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन को काफी इंपॉर्टेंस देने की बात की। 2019 में इस अलायंस के बेनिफिट भी दिखने लगे। एनडीए ने 25 में से 18 लोकसभा सीट्स जीत ली थी, 14 बीजेपी की थी और 4 इनके अलायंस पार्टनर्स की। और इसके साथ ही बीजेपी ने तेमजिन इनमा अलोंग जैसे कई सारे लोकल लीडर्स भी तैयार करे हैं, जो एक तरह से रीजनल स्पेशलिटीज को नेशनल लेवल पर आज के टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा रीजन है एक हाइपर लोकलाइज्ड मैसेजिंग का। अंग्रेजी में एक कहावत है ना, हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस, यानी कि हर एक रेस कोर्स के लिए उस रेस कोर्स जैसा घोड़ा दौड़ाना चाहिए, तभी आप रेस जीत सकते हैं। और बीजेपी ने अपने मैसेजिंग के मामले में एग्जैक्टली यही स्ट्रेटजी अपनाई है। उनको पता है कि भैया यूपी, पंजाब, वेस्ट बंगाल, एमपी जैसे स्टेट्स की तरह नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एग्रीकल्चर उतना सक्सेसफुल नहीं है, तो यहाँ पर वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करना या फिर बीफ के अगेंस्ट कैंपेनिंग करना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए जहाँ दूसरे स्टेट्स में इन मुद्दों पर बीजेपी बहुत फोकस करती है, इस पर्टिकुलर रीजन में इसे टच भी नहीं करती। और तो और मेघालय के बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट अर्नेस्ट मावी भी कहते हैं कि भैया हम तो बीफ कंज्यूम करते हैं, ये हमारे फूड हैबिट का हिस्सा है और बीजेपी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीजेपी की इस स्ट्रेटजी में क्लियर हिपोक्रेसी दिखाई देती है। हार्टलैंड में लोग काउस को एक सेक्रेड एनिमल मानते हैं और बीजेपी को इनका सपोर्ट कहीं ना कहीं अपनी बीफ के अगेंस्ट कैंपेनिंग की वजह से भी मिलता है। और सेम बीजेपी जब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जाकर ऐसा 180 डिग्री टर्न मारती है तो हार्टलैंड के लोग जरूर बोलते होंगे, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और सिमिलरली जहां बीजेपी हार्टलैंड स्टेट्स में हिंदुत्व पॉलिटिक्स पर फोकस करती है, वहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इनकी पॉलिटिक्स में एक क्रिश्चियन अपीजमेंट क्लियरली दिखाई देता है। मेघालय और नागालैंड में 80 में से बीजेपी के 75 कैंडिडेट्स भी क्रिश्चियन ही थे। इसके अलावा CAA और NRC को लेकर भी इस रीजन में बीजेपी की एक ड्यूअलिटी दिखाई देती है। जब असम और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन साथ में हुए थे ना, तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने CAA को इंप्लीमेंट करने के प्रॉमिस को अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया था, लेकिन असम में लोग इमिग्रेंट इशू पर काफी परेशान है। वो NRC को सपोर्ट करते हैं बट CAA को अपोज करते हैं, और इसीलिए बीजेपी ने यहाँ के इलेक्शन में CAA की कोई बात नहीं करी। तीसरा बड़ा रीजन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट अक्सर पूरे देश के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर काफी डेवलपमेंट दिखाई देता है। इवन पीएम मोदी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक डेडिकेटेड सेंट्रल मिनिस्ट्री बनाई थी जिसका सिंगल फोकस था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के ऊपर, और इसकी वजह से ऑलरेडी बीजेपी को लेकर इन स्टेट्स में एक कहीं ना कहीं गुडविल एग्जिस्ट करती थी। और बीजेपी ने इसको यूटिलाइज करने के लिए काफी सारे ओल्ड प्रोजेक्ट्स को एक्सपेडाइट भी किया और नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू करें, जैसे 2018 में गुवाहाटी के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को ऑर्गेनाइज करके गवर्नमेंट ने दुनिया भर के सामने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैपेबिलिटी को रखा, जिसके चलते इस रीजन में इन्वेस्टमेंट जनरेट किया जा सकता है। इसके अलावा नेशनल बैम्बू मिशन और स्किल डेवलपमेंट मिशन के थ्रू गवर्नमेंट ने हैंडीक्राफ्ट और बाकी सारी स्किल डेवलपमेंट पे काफी फोकस किया है। इसके अलावा मेडिकल और एरोमेटिक प्लांट्स को लेकर भी इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी भी बनाई गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो फेब 2021 में गवर्नमेंट ने धुबरी फुलबरी ब्रिज की फाउंडेशन स्टोन रखी, जो ब्रिज असम को मेघालय से कनेक्ट करेगी। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनी ये ब्रिज 19 किलोमीटर लंबी होगी, जो कि भारत की लॉन्गेस्ट ब्रिज होने वाली है। सिक्किम में आप देखें तो पेक्योंग एयरपोर्ट और असम में रुप्सी एयरपोर्ट के सर्विसेज को भी इम्प्रूव किया गया है, जिससे कि कल्चरल टूरिज्म और ट्राइबल टूरिज्म को एक बूस्ट मिला है। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NHIDCL आज नॉर्थ ईस्ट में 90,000 करोड़ रुपीज से ज्यादा हाईवे के प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रही है। नेक्स्ट रीजन है मैनेजिंग सेपरेटिस्ट मूवमेंट। अच्छा, अगर नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट मूवमेंट की ओरिजिन की बात करें ना, तो इंडिपेंडेंस के बाद से ही ये शुरू हो गया था। ब्रिटिशर्स ने हमेशा ना इस एरिया में नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाई थी, मतलब कि वो नॉर्थ ईस्ट रीजन को एक्सप्लॉइट करते थे सिर्फ वहां पर अवेलेबल रॉ मटेरियल की वजह से, लेकिन उस पर बाकी कोई ध्यान नहीं देते थे।
लेकिन आज़ादी के बाद ना इन रीजन्स को अपने साथ मिलाना भारत की सॉवरेनिटी के लिए बहुत क्रूशियल था। तो यहाँ पर वेरियस ट्राइबल कल्चर्स को जब मेनलैंड भारत के साथ इंटीग्रेट करने की बारी आई तो यहाँ के ज़्यादातर ट्राइब्स ने इस आइडिया को अपोज किया और यहीं से इस रीजन में इंसर्जेंसी की शुरुआत हुई। लेकिन इस रीजन की प्रॉस्पेरिटी के लिए इन इंसर्जेंसीज को टैकल करना मैंडेटरी था और इसीलिए टाइम टू टाइम इसको कंट्रोल करने के बहुत सारे स्टेप्स तो लिए गए लेकिन आज भी ये एक बड़ा इशू है। लेकिन पिछले 8 सालों में अगर आप देखें तो इंसर्जेंसी 80% तक रिड्यूस हुई है, सिविलियन डेथ्स ड्यू टू इंसर्जेंसी 99% तक रिड्यूस हुई है और 8,000 से ज्यादा इंसर्जेंट्स ने अपने हथियार डालकर सरकार से हाथ मिलाए हैं और मेन स्ट्रीम लाइफ में वो वापस आए हैं। और इसके पीछे मेजर रीजन है कि यहाँ की गवर्नमेंट अब इन ग्रुप की बातों को समझती है और इनके साथ काफी सारे अकॉर्ड भी इन्होंने साइन करे हैं, जैसे कि बोडो अकॉर्ड, ब्रू रियांग अग्रीमेंट, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा अग्रीमेंट, कार्बी अंगलोंग अग्रीमेंट एंड असम मेघालय इंटरस्टेट बाउंड्री अग्रीमेंट। अगला बड़ा रीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट। देखो अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करो ना तो यहाँ पर एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री को लेकर कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ नहीं है, इसीलिए मोस्टली ये स्टेट्स सेंट्रल फंड्स के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं और चूंकि बीजेपी एक लंबे टाइम से सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर में है इसीलिए लोकल लोग भी इन्हें ही अपने लोकल इलेक्शन में चूज करने लगे। तो ये थी भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बीजेपी की ग्रोथ के पीछे की इंटरेस्टिंग कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भैया इसे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।